लेबनान पर जमीनी हमला करने से पहले इसराइल ने हिजबुल्ला की ताकत का जो अंदाजा लगाया था वो अब बिल्कुल गलत साबित हो रहा है, क्योंकि इसराइल की रणनीति थी कि वो पहले हिजबुल्ला की लीडरशिप को खत्म करे जिससे हिजबुल्ला कमजोर पड़ जाए और ऐसे हालातों में हिजबुल्ला का सफाया करना उसके लिए आसान होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नसरल्ला के खात्मे के बाद IDF लेबनान में घुस गई और शुरुआती दिनों में IDF ने हिजबुल्ला को झटके पर झटके भी दिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लेबनान में बाजी पलट रही है। वो इसलिए क्योंकि हिजबुल्ला लेबनान के भीतर IDF से तो लड़ ही रहा है, साथ ही वो अब इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने 29 अक्टूबर 2024 को इसराइल पर कई सिलसिलेवार तरीके से हमले किए। हिजबुल्ला ने सबसे पहले मनारा सेटलमेंट पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि हिजबुल्ला सबसे पहले मनारा सेटलमेंट को चिन्हित करता है और इसके बाद हिजबुल्ला के दो लड़ाके एक ड्रोन को लॉन्चर में फिट करके उसे फायर कर देते हैं, जो सीधे मनारा सेटलमेंट में गिरता है। हिजबुल्ला के लड़ाके इसके बाद फिर से कई राउंड ड्रोन फायर करते हैं। इस अटैक के बाद हिजबुल्ला के लड़ाके कफ्र गिलाडी क्वारी पर कई ड्रोन्स दाग देते हैं और अब जरीद सेटलमेंट पर इजरायली सैनिक इकट्ठा होने लगते हैं, तो तब हिजबुल्ला उनके ऊपर भी ड्रोन हमले कर देता है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने डेल्टन कफर व्रादिम और मालोट तरीशाह सेटलमेंट पर हमला किया। हिजबुल्ला ने यहाँ पर सैन्य ढांचे और IDF के जमावड़े को निशाना बनाया है। और तो और, हिजबुल्ला ने इस पूरे हमले का बकायदा वीडियो तक जारी किया, जिसमें दिख रहा है कि कैसे हिजबुल्ला पहले तो हरियाली के बीच एक बड़े रॉकेट लॉन्चर को तैनात करता है, जिसमें एक साथ कई रॉकेट भरे होते हैं, और इसके बाद हिजबुल्ला के लड़ाके इन रॉकेट्स को इसराइल की तरफ फायर कर देते हैं। इसी वीडियो में आगे दिख रहा है कि ये रॉकेट इसराइल में आबादी वाले इलाके में जाकर गिरते हैं, जिससे कई घरों को काफी नुकसान होता है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने एक ऐसा ही हमला इसराइल के रोश पीना सेटलमेंट में भी किया। हिजबुल्ला ने यहां पर रात के अंधेरे में कई दर्जन रॉकेट फायर किए, जिससे रोश पीना के कई इलाकों में आग तक लग गई। वहीं दूसरी तरफ जब इजरायली सेना खियाम कस्बे के हमाम से इलाके में घुसी, तो हिजबुल्ला के लड़ाकों ने यहां पर भी उसके ऊपर हमला कर दिया। हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले तो हिजबुल्ला के कुछ लड़ाके एक सुरंग में बैठे हैं और इसके बाद ये लड़ाके बाहर आकर लॉन्चर से कई राउंड रॉकेट IDF की तरफ दाग देते हैं, जिनमें जोरदार ब्लास्ट होते हैं। और इस हमले के बाद मरजियोन इलाके में IDF को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल यहां पर हिजबुल्ला के लड़ाके IDF के हरमस 900 ड्रोन को एक जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल से उड़ा देते हैं, जिससे ये ड्रोन क्रैश हो जाता है। इन सब के बीच इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों में मालो तरशीहा में एक व्यक्ति की जान चली गई। मारे गए शख्स का नाम मोहम्मद नईम है, जो इस इलाके का रहने वाला था। हिजबुल्ला के हमलों को लेकर IDF का कहना है कि हिजबुल्ला ने करीब 50 रॉकेटों का जत्था फायर किया, जिसमें से कुछ रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें आयरन डोम हिजबुल्ला के रॉकेटों को इंटरसेप्ट करता हुआ दिख रहा है।